असलम डियर स्टूडेंट्स माई नेम इज़ मुबशर मंजूर वेलकम टू माई क्लास वे वी आर गोइंग टू स्टडी साइंस ऑफ ग्रेट्स इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस की वर्ड्स एंड देन फर्दर वी आर गोइंग टू डिस्कस वॉट इज अ वेबल सो फ्राम नाउ ऑनवर्ड्स इट गेट्स अ लिटल मोर हैंडस ऑन वैन इट कम्स टू प्रोग्रामिंग सो डियर स्टूडेंट्स जैसे कि हम बात करें थे कि इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है की वर्ड्स का की वर्ड्स आर मोर लाइक आइडेंटिफायर्स बट दे आर रिज़र्व वर्ड्स जिनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है वेन यू आर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम ऑफ द सी आइडेंटिफायर्स भी सिमिलर ही थे लेकिन आइडेंटिफायर्स की आप समझ लें एक स्पेसिफिक फॉर्म इज़ की वर्ड्स ठीक है कि ऐसे वर्ड्स जिनका कुछ ना कुछ मतलब है फॉर योर प्रोग्राम और योर लैंग्वेज तो उसको हम कहते हैं की वर्ड्स देर आर ट्वेंटी सिक्स की वर्ड्स दैट आर स्पेसिफाइड फॉर सी लैंग्वेज स्पेसिफिकली अब जरूरी नहीं है कि ये यही की वर्ड्स जो हैं कि किसी और लैंग्वेज के लिए भी ट्वेंटी सिक्स ही हों सी लैंग्वेज के रिजर्व वर्ड्स हैं उनकी लिस्ट जो है वो आप देख सकते हैं इट इज़ जस्ट फॉर द रेफरेंस इसी तरह से की वर्ड्स की हम बात करें तो एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है वेरिएबल का वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट इन एल्जबरा जैसे हम कहते हैं कि हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और वेरिएबल ऐसा एल्जैबरिक कंपोनेंट होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है ऑन द अदर हैंड अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं तो कांस्टेंट कैसे डिफरेंट है कांस्टेंट ऐसे डिफरेंट है कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ पाए ठीक है अगर पाए की वैल्यू क्वेश्चन के स्टार्ट में थ्री थी तो वो क्वेश्चन के एंड पे भी थ्री ही रहेगी एंड वेनएवर यू आर यूजिंग इट इन द प्रोग्राम और इन द क्वेश्चन इट विल रिमेन द सेम लेकिन कुछ ऐसे चीजें होती हैं कुछ ऐसे एक्सप्रेशन uh, होते हैं जिनकी वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम और ड्यूरिंग द क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं x इज इक्वल टू वाई प्लस वन हमें ऑलरेडी पता है कि इसके अंदर y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x डिपेंडेंट वेरिएबल है विच मीन्स दैट x की वैल्यू अगर चेंज uh, होगी इन केस हम y की वैल्यू चेंज करते हैं तो ठीक है तो इसका मतलब ये है कि इन द बिगिनिंग देर इज़ अ चांस कि मे बी एक्स की वैल्यू जीरो से स्टार्ट हो रही है लेकिन जैसे जैसे मैं वाई की वैल्यू चेंज करती जाऊँगी एक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी सो दे आर द टाइप ऑफ की वर्ड्स दे आर द टाइप ऑफ कॉम्पोनेंट्स ऑफ सी जिसके अंदर आपको पता है कि दे कैन चेंज ऑन द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन द वैल्यूज कैन चेंज एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन लेकिन जो उनका नाम होगा वो सेम ही रहेगा जो आइडेंटिफाइड वो होगा जो आपने उस वेरिएबल को असाइन किया है ठीक है वेरिएबल का कॉन्सेप्ट uh, का मतलब ये होता है कि लाइन बाय लाइन जब एग्जीक्यूशन हो रही है प्रोग्राम जो है वह हमें पता है कि सिक्वेंशली एग्जीक्यूट होता है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है तो उसमें देर इज़ अ चांस कि आपने एक वेरिएबल को स्टार्ट या इनिशियलाइज़ का वर्ड uh, इसके लिए इस बेहतर है यूज़ करने के लिए हो सकता है कि हमने उसकी वैल्यू ज़ीरो से स्टार्ट की लेकिन चेंज होती गई उसकी वैल्यू इवेंचुअली इन द प्रोग्राम जैसे मैं आपसे आप कहूँ एक प्रोग्राम लिखें जो सेवन का टेबल प्रिंट करके देता है तो इसका मतलब ये है कि हर दफ़ा जो प्रोडक्ट है वो उसमें कुछ और वैल्यू आएगी यानी कि आप वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी टू से करेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी और इवेंचुअली आप उसको डिस्प्ले कर रहे होंगे इन टू अ सिंगल वेरीएबल तो वेरीबल जैसे कि नाम से ज़ाहिर है वेरी का मतलब है इट कैन चेंज राइट तो इट कैन चेंज मीन्स इट इट्स वैल्यू कैन चेंज जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अभी तक हमने देखा है जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड सबसे पहले हम उसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि उसका मतलब क्या है और फिर हम उसका सिंटेक्स देखते हैं हम देखते हैं कि उसको लिखने का तरीका क्या है उसको स्पेसिफाई करने का तरीक़ा क्या है तो अगर आप देखें वेरिएबल को लिखने का तरीका तो उसका तरीका ये है कि यू गिव द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल एंड देन यू स्पेसिफाई द नेम और आइडेंटिफायर ऑफ दैट वेरिएबल मतलब इस बात का क्या डेटा टाइप से क्या मुराद है डेटा टाइप से मुराद है कि आपका जो आपने डिफाइन किया है वेरिएबल वो किस तरह की नेचर का है हमें ये तो पता है कि वेरिएबल जो है वो नॉर्मली या तो मैथमेटिकल नेचर का होगा यानी नोमरिक वैल्यूज होंगी या वो कोई कैरेक्टर्स होंगे या कोई ना कोई उसके अंदर लेटर्स या स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे तो उसकी बेसिस पे उसकी डेटा टाइप्स चेंज हो जाती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि वो नूमेरिकल वैल्यूज़ हैं तो इसका मतलब है कि मुझे डिफरेंट तरह की डेटा टाइप स्पेसिफ़ाई करनी पड़ेंगी अगर वो लेटर्स हैं या अल्फाबेट्स हैं या दूसरे कैरेक्टर्स हैं तो इसका मतलब है मुझे डिफरेंट तरह की जो डेटा uh, टाइप है वो स्पेसिफ़ाई करनी पड़ेगी उसका मतलब यानी जो आपका कंप्यूटर है उसके लिए डिफरेंट होगा उसे पता होगा कि अच्छा इसके अंदर नोमरिक वैल्यू आ सकती है सिर्फ और सिर्फ ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं फॉर एग्जांपल मैं एक एक छोटा सा प्रोग्राम लिखूं जिसमें आपने अपना नाम एंटर करना है और आपने अपना रोल नंबर एंटर करना है अब नाम एंटर करने का मतलब ये है कि अगर मैं आपका नाम एक नेम के वेरिएबल में स्टोर करवा रही हूँ इस तरह से अगर आप देखें तो अगर मैंने नेम में आपका नेम स्टोर करवाना है तो हर स्टूडेंट उसमें अपना नाम एंटर करेगा राइट विच मीन्स दैट इट्स वैल्यू इज़ कीपिंग ऑन चेंजिंग राइट इट्स वैल्यू इज चेंजिंग साइमल्टेनियसली एज एज यू एंटर योर नेम राइट जब आप अपना नाम चेंज करें हैं तो इसका मतलब है कि आप नाम लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि दिस काइंड ऑफ वेरिएबल इज़ टेकिंग वट काइंड ऑफ डेटा एल्फाबेटिकल काइंड ऑफ डेटा आपका नाम वन टू थ्री फोर तो नहीं हो सकता ना तो इसका मतलब यह है कि आपका नाम जो होगा वो कुछ कैरेक्टर्स पे मुश्तमिल तो होगा इसी तरह अगर जब मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अपना रोल नंबर एंटर करें या अपना आ, जो है यूनिवर्सिटी आईडी कार्ड नंबर एंटर करें तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ ना कुछ नो फॉर्म होगी कुछ यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज में ऐसे भी होता है कि वो किसी लेटर से स्टार्ट होता है आपका स्टूडेंट आई और उसके आगे कुछ जो है ना नोमरिक वैल्यूज़ दी होती हैं जैसे कि यू एम ए फोर फाइव सेवन इस तरह से कुछ वैल्यूज़ साइन होती हैं जिसमें लेटर्स भी होते हैं कैरेक्टर्स भी होते हैं सो दिस इज़ अनदर काइंड ऑफ एग्जांपल कि आपके पास डिफरेंट तरह की डेटा टाइप आ गई जिसके अंदर मिक्स वैल्यूज भी हो सकती हैं तो इसका मतलब ये है कि हम सबसे पहले ये बताएंगे कि वो वेरिएबल किस तरह का है किस तरह की वैल्यू जो है वो एक्सेप्ट करता है उसके अंदर आप किस तरह का डेटा स्टोर करवा सकते हैं उसके बाद आप उसको ये भी बताएंगे कि आप उसका नाम क्या रखना चाह रहे हैं आप उसको आइडेंटिफायर क्या देना चाह रहे हैं यहां पर आइडेंटिफायर का मतलब ये कि आप उसको क्या ए वैल्यू देना चाह रहे हैं ए से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं एक्स से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं एज से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं नेम से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं स्टूडेंट आई से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं किस तरह से आप उसमें वैल्यू लेना चाह रहे हैं एंड दैट्स इंटायरली अप टू यू वेरिएबल का नाम जो है वो आप दे सकते हैं आप असाइन कर सकते हैं बट अगेन वी हैव डिसकस दिस दैट यू विल यूज़ द सेम नेम इन द सेम लेटर्स सेम केस इन थ्रू आउट द प्रोग्राम अदरवाइज क्या होगा सिंस जिनको आपने कोई ना कोई नाम असाइन किया हुआ है सो स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि जैसे हमने वेरिएबल का देखा हमने उसका सेंटेक्स भी देख लिया अब हम जरा देखते हैं कि हाउ इज़ वेरिएबल डिफरेंट इन कंप्यूटर साइंसिस दैन इन मैथमेटिक्स क्योंकि हमने कहा था बेसिक कॉन्सेप्ट वही है दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ अ वेरिएबल जैसे हम ये करते थे कि एक्स इज़ इक्वल टू फोर वाई तो इसका मतलब है कि अगर मैं वाई की वैल्यू चेंज करती जाऊँगी तो एक्स की वैल्यू जो है वो इट विल की पॉइंट चेंजिंग इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी तो इसका मतलब ये है कि सी पोजेस द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर अब इसका मतलब ये है कि uh, ये तो मैथमेटिक्स में uh, आपका रूल था कि मैथमेटिक्स में आप किस तरह से ये चीज़ें करते हैं लेकिन कंप्यूटर uh, साइंसेज में हाउ इज़ इट डिफरेंट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली डिफरेंट इट इज़ द सेम थिंग बट द प्रॉब्लम इज दैट

That is inside the variable. That is the variable name. And this is the location at which, memory location at which it is kept, right? So jab भी हम बात कर रहे होते हैं variables की तो उसका मतलब ये होता है कि आपके पास memory में कोई ऐसी slot available है जहाँ पे जाके वो आपका जो variable है वो store होना है. For example, अगर आपको याद हो तो जब आप कंप्यूटर सा कंप्यूटर के कंपोनेंट्स पढ़ते हैं तो उसमें मेमोरी इज़ अ सेपरेट कंपोनेंट एंड जो आपका प्रोसेसर होता है दैट इज़ अनदर कंपोनेंट जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो मेमोरी इज़ यूजुअली टेकन एज रैम और द मेन मेमोरी इन द प्रोसेसर ठीक है इसका मतलब ये है कि टेम्प्रेली वहाँ पर वो वेरिएबल्स क्रिएट होंगे और डिस्ट्रॉय हो जाएंगे आफ्टर द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड सो जब हम बात करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक वेरिएबल क्रिएट करती हूँ Uh, जिसका कोई ना कोई जिसकी कोई ना कोई डेटा टाइप होगी हमने सिंटेक्स पढ़ा था कि देर इज अ डेटा टाइप एंड देन द नेम ऑफ द वेरिएबल वेरिएबल नेम और उसके आगे हमने सेमी uh, कॉलन या टर्मिनेशन साइन लगाया था जब हम बात करते हैं डेटा टाइप की तो डेटा टाइप का मतलब यह है कि देर कैन बी मल्टीपल वेज इन विच दैट डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड फॉर एग्जांपल, जब हम कहते हैं कि इवन मेरे पास डेटा टाइप नोमरिक है यानी मेरे पास नोमरिक वैल्यूज़ ही आ सकती हैं नोमरिक वैल्यूज़ का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल वैल्यू जीरो वन टू थ्री फोर अगर आप उसमें भी देखें तो यू हैव डिफरेंट ऑप्शन इन दैट कि या तो उसमें डेसिमल वैल्यूज़ हो सकती हैं या उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ हो सकती हैं और ये भी पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ दो तीन डिजिट्स के ऊपर मुश्तमल आपका नंबर ना हो बल्कि इट इज़ अ वेरी लॉन्ग नंबर और अ वेरी शॉर्ट नंबर लाइक अ डिजिट नंबर राइट तो इसका मतलब ये है कि इवन विद इन द नरिक वैल्यूज देर आर मल्टीपल टाइप्स इन विच यू कैन रिप्रजेंट यूर डेटा एंड दैट इज़ वाई वी यूज़ द कॉन्सेप्ट कॉल डेटा टाइप तो डेटा टाइप का मतलब ही ये है कि हमारे पास एक मेमरी में जब हम रिप्रजेंट करते हैं अपने वेरिएबल को तो हम कहते हैं कि हमारे पास फॉर uh, एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल है उसका नाम रखा ए और मैं कहती हूं कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर uh, वैल्यूज ही आ सकती हैं यानी इट कैन इधर कंटेन फाइव इट कैन कंटेन ट्वेंटी फाइव इट कैन कंटेन टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव इट कैन कंटेन एनी वैल्यू बट इट विल बी स्ट्रिक्टली इंटीजर वैल्यू तो इसका मतलब है हमें यह बात कंप्यूटर को भी समझानी पड़ेगी तो विच मीन्स वो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वी विल गिव द डेटा टाइप ऑफ इट डेटा टाइप और डेटा टाइप्स स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं। डेटा टाइप्स जो हैं वो कीवर्ड्स हैं जो कि ऑलरेडी उसके अंदर स्पेसिफाइड हैं हमारे सी लैंग्वेज के अंदर या किसी भी लैंग्वेज में ऑलरेडी स्पेसिफाइड हैं। तो हम फॉर एग्जाम्पल उसमें बहुत सारी डेटा टाइप्स हैं आउट ऑफ विच इन टीजर इज़ वन डेटा टाइप जब भी हम इन टीजर को रिप्रेजेंट करेंगे इन एनी कंप्यूटर लैंग्वेज सी में तो हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो हम उसे स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट करेंगे विद आई एन टी सो आई एन टी इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग इन टीजर टाइप डेटा इन सी लैंग्वेज और Pretty much in every programming ज लेकिन uh, जब हम कहते हैं आई एन तो we'll keep it in small case letters and एंड we'll वील call it a keyword. Definitely because ये एक ऐसा word है जिसका C compiler के लिए कोई ना कोई मतलब है इसका मतलब जब आप कह देंगे कि ये data type जो है वो uh, 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 integer टाइप की ही है ये वेरिएबल integer टाइप का ही डेटा लेगा तो इट विल नॉट टेक 25.5. बट अगर आपने कहा हुआ है कि वो integer है इट विल ओनली टेक द integer वैल्यू इट विल नॉट टेक द डेसिमल नंबर आउट ऑफ इट राइट तो इसका मतलब ये है कि हमने उसकी डेटा टाइप मैंशन कर दी कि उसके अंदर क्या वैल्यूज आ रही हैं और वो किस तरह की हैं तो वी क्वालिट ऑफ वेरिएबल अब बैक एंड पे क्या होता है जब भी हम कहते हैं कि हमारे पास एक इंटीजियर है मैंने कहा कि मैंने एक इंटीजर लिखा है वेरिएबल जिसका नाम ए है सो दैट इज हाउ आई डिफाइंड द वेरिएबल राइट मैंने एक वेरिएबल को असाइन uh, कर दिया फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे कहा कि ये वेरिएबल ए है तो ये इसकी डेटा टाइप है विच मीन्स कि इट विल ओनली टेक इन टीजर टाइप वैल्यूज सो दिस इज़ अ की वर्ड फॉर कंपाइलर टू गेट टू नो कि इसका मतलब यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ टाइप डेटा ही आएगा नाउ वेरिएबल ए का मतलब है कि ये वेरिएबल का नेम है और हम हमेशा जब भी हमें ये वाली वैल्यू चाहिए होगी हम इसी नेम को कॉल करेंगे एंड वी नो दैट सेमी कॉल इज ऑलवेज टर्मिनेशन साइन अब जब मैं अपने प्रोग्राम में या मैं अपने जो सोर्स कोड है फॉर एक्जाम्पल आई एम राइटिंग द सोर्स कोड एंड आई विल कंसिडर दिस सोर्स कोड जब ये मैं इंस्ट्रक्शन लिखती हूँ दिस इज़ अ कम्प्लीट इंस्ट्रक्शन और मुझे कैसे पता चल रहा है कि उसके एंड पे एक टर्मिनेशन साइन है इसका मतलब ये है कि वो एक कम्पलीट इंस्ट्रक्शन है तो क्या होता है कि मेमरी में विच इज़ रैम हमने पहली भी बात की आपकी मेन मेमरी में जाके मेन मेमरी ऑलरेडी इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कैबिनेट की तरह की एक चीज़ होती है जिसको कुछ एड्रेसेस असाइन हुए होते हैं बाय डिफॉल्ट उसको हेक्साडेसिमल वैल्यूज में एड्रेसेस जो हैं वो असाइन हुए होते हैं एड्रेस को आपने कभी भी वेरिएबल के नेम से कंफ्यूज नहीं करना इट इज़ मोर लाइक के सो एंड सो पर्सन लिव्स एट सो एंड सो एड्रेस इसका मतलब ये है कि उसकी कोई लोकेशन है जिसका उसको कोई एड्रेस है अगर वो एड्रेस चेंज uh, होता है तो इसका मतलब है कि वही इंसान किसी और जगह रीलोकेट कर गया है बट द पर्सन हु इज़ लिविंग देयर हैज़ अ नेम राइट सो नेम इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द की वर्ड और द आइडेंटिफायर राइट अब इसका मतलब यह है जब मैं ये इंस्ट्रक्शन लिखती हूँ तो इसका मतलब ये है कि इस साइज़ का इंटीजर का नॉर्मली साइज़ जो होता है वो फोर बाइट्स का होता है सी में इसका जो है वो टू बाइट्स की इसकी इसका साइज था तो इसका मतलब ये है कि जब आप कहेंगे कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो इसका मतलब है कि वो मेमोरी में जाके रिजर्व कर देगा उतनी लोकेशन अगर ये एक बाइट की एक लोकेशन थी तो इसका मतलब है उसने दो लोकेशन जो है वो रिज़र्व कर दी फॉर वेरिएबल नेम्ड ए अब ये ए वहाँ पे फिजिकली लिखा नहीं जाएगा बल्कि इसका मतलब यह है कि इन दो पोर्शंस में या इन दो जगहों पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है दैट इज़ फॉर द ए इसी तरह क्या होगा अगर फॉर एग्जाम्पल ए जीरो से स्टार्ट हुआ था ए में इनिशियली जीरो था और एक और बात कि मेमोरी में हमेशा जो वैल्यूज हैं वो हमेशा बाइनरी में ही स्टोर होती हैं के इनके या तो आज की स्टोर होंगे या इनकी बाइनरी वैल्यू स्टोर होंगी तो जब हम कहते हैं कि ए बाद में इसके बाद मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखी ए इज इक्वल टू ए प्लस वन विच मीन्स के ए जो है अब उसमें एक इंक्रीमेंट हो गई है वैल्यू तो इसका मतलब है अब यहाँ पे Uh, जो चेंज आएगा वो उसी मेमोरी लोकेशन पे जाके ए में एक वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी एंड दैट्स हाउ इट कीप्स ऑन द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल कि मेमोरी में एक्चुअली उसके लिए एक जगह स्पेसिफाइड है और उस जगह पे जो वैल्यू पड़ी हुई है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ़ दैट वेरिएबल सो डोंट मिक्स ऑल दीज थिंग्स आप एक उसका एड्रेस है ठीक है उस कंटेनर का एड्रेस उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस विच यू डोंट हैव टू नो अबाउट उसमें आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि वो उसका एड्रेस क्या है बट यू हैव गिवन इट सर्टन नेम वो जो मेमोरी लोकेशंस थी फॉर एग्जाम्पल ये ज़ीरो जीरो जीरो वन थी तो उस मेमोरी लोकेशन को आपने एक नाम दे दिया है जिसको आप कह रहे हैं कि इस पर जो भी अब चीज पड़ी होगी वो वेरिएबल ए है एंड आई कैन कीप मॉडिफाइंग इट एज़ पर माई नीड्स एंड रूल्स ऑफ द प्रोग्राम सो जब मेरा प्रोग्राम एंड हो जाता है जहाँ जो भी एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन उसकी वैल्यूज जो हैं दे मे वेरी एंड दैट्स हाउ वेरिएबल इज़ यूज इन दिस बुक और इन दिस टॉपिक ऑफ़ सी जब भी हम इससे नेक्स्ट वेरिएबल की बात करेंगे विच इज़ ऑलमोस्ट एवरी डे तो उसका मतलब ये है कि आपको ये विजुअलाइज होना चाहिए माइंड में कि जब मैं एक वेरिएबल लिख रही हूँ तो वो मेमरी में जा कर कुछ लोकेशन ऑक्यूपाई कर रहा है जिसमें उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो सेव्ड है And whenever you make modifications on that मॉडिफिकेशन or in that values to तो वो ja ke memory location में उन values को change कर देता है And whenever you call that value, तो वो वहीं से उसको उठा के जो है वो लेके आता और है और display करवाता है या जो भी आप उसके साथ करवाना चाह रहे हैं वो करवाता है आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाला लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा दिस इज little बिट मोर मैथमेटिकल इन नेचर सो इसमें ये था हमने डिस्कस ये किया कि कीवर्ड्स क्या होते हैं आई होप यू गॉट द पॉइंट कि कीवर्ड्स जो हैं दे आर रिजर्व वर्ड फॉर द कंप्यूटर फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर उसका कुछ ना कुछ मतलब है और आप उसको एज इट इज़ यूज़ करें यू कैन नॉट चेंज दैट इवेंचुअली बट लेकिन आप स्टार्टिंग में देर इज़ द चानस कि आप उसको ख़ुद से असाइन कर सकें फिर देन वी डिसकस्ट के वेरिएबल्स क्या होते हैं वेरिएबल का कॉन्सेप्ट कंप्यूटर साइंस में कैसा है और जब आप आ, किसी वेरिएबल को इनिशलाइज़ करते हैं वेरिएबल को लिखते हैं सबसे पहले तो आप वेरिएबल को जब उसका सिंटेक्स क्या है और उसको लिखते कैसे हैं और उसके बाद जब लिखते हैं या स्पेसिफाई करते हैं तो इवेंचुअली मेमोरी लोकेशन में जाके क्या चीज़ें होती हैं वो हमने इस लेक्चर में देखा इन नेक्स्ट लेक्चर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट इज़ इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल व्हाट इज़ द असाइनमेंट ऑफ द वेरिएबल एंड हाउ आर वी गोइंग टू टेक इट फर्दर